आपका। तो आइए जरा लिखिए मेरे साथ, पार्टनरशिप फॉर्म में हमें क्या पढ़ना है। आप लिखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आप लिखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हमें आखिर पार्टनरशिप में पढ़ना क्या है। देखो पार्टनरशिप की स्टडी कुछ पार्ट में डिवाइड है, कुछ चैप्टर से बचे आपका। पहला चैप्टर आपका है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल, आपको पता है फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? नहीं सर हमें नहीं पता। फंडामेंटल का मतलब होता है कि पार्टनरशिप का बेसिक बात है, बेसिक बात है पार्टनरशिप में क्या होगा जी, कैसे क्या किया जाएगा, सब कुछ सीखेंगे। फिर आप पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बहुत प्यारा चैप्टर है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल जो कि एक इमेज होता है बच्चे, एक पार्टनरशिप फॉर्म का, एक कंपनी का, आपका सबका एक इमेज होता है। उस गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाएगा हम यहाँ सीखेंगे आपका, कैसे उसकी वैल्यू कीमत निकाली जाती है। थर्ड में आपको पढ़ना है एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में किसी नए पार्टनर का हम लोग एडमिशन करते हैं तो वो नया पार्टनर कैसे काम करेगा, उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे आपका। फिर आपका अगला आएगा जी रिटायरमेंट, फोर्थ आपका जो टॉपिक यहाँ पे होगा वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब देखो ना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या हुआ है। अगर मान लो मैं और आप मिलकर काम कर रहे हैं और हम में से एक आदमी चाहता है कि यार काम छोड़ दे, मतलब पार्टनरशिप जो चल रही थी उसमें एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है, निकलना चाहता है, तो वहाँ पर अकाउंटिंग कैसे होगा यहाँ पर सीखेंगे जी। पाँचवें में आपको सीखना यहाँ पर डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ का मतलब मर जाना। आपको पता है ना रिटायरमेंट में एक आदमी निकल जाएगा लेकिन डेथ में क्या होगा, एक आदमी को, एक पार्टनर को भगवान ही निकाल देंगे, मर जाएगा बच्चे को। तो मरने के बाद हमें पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंटिंग करनी होती है, कैसे कैसे करना होगा वो यहाँ सीखेंगे। और सिक्स में आपको स्टडी करना है डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये पार्टनरशिप फॉर्म जो है मैंने और जो आपने मिलकर काम स्टार्ट किया था, जो पार्टनरशिप फॉर्म था, अगर वो डिजॉल्व हो जाए, हमारे बीच में झगड़ा हो गया, हमने बोला कि भाई आज के बाद मैं आपका और आप मेरा चेहरा नहीं देखोगे, तो जरा बताओ फिर पार्टनरशिप कैसे चलेगी। हमें तोड़ना पड़ेगा, सब कुछ ख़त्म कर देना पड़ेगा। तो वो ख़त्म करने की अकाउंटिंग कैसे कैसे होगी हम सीखेंगे यहाँ पे। बहुत प्यारा चीज़ आपका है जी पार्टनरशिप के अंदर में, हम ये छः पार्ट में चैप्टर की स्टडी करेंगे आपका, छः पार्ट में, ठीक है ना सर। हाँ जी आज हम शुरू करते हैं, पहला चैप्टर शुरू करते हैं आपके साथ, पहला आपका। तो मैं इसको मिटाऊंगा, लिख लीजिए आप यहाँ पे, पहले लिख लो मेरे साथ यहाँ पे, लिख लीजिए यहाँ पे आप, हम शुरू करेंगे आज का पहला चैप्टर आपका। तो मैं इसको मिटाऊंगा बच्चे, हमें याद रखना हमारा ये टारगेट है 1 2 3 4 5 6 चैप्टर की हमने स्टडी करनी है। तो आज मैं पहले टॉपिक पे चलूंगा जी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। मैं आपको समझाऊंगा कि पार्टनरशिप का जो आपका बेसिक है फंडामेंटल, वो आखिर अकाउंटिंग कैसे होता है। चलिए मैं इसको मिटाऊं और आप मेरे साथ लिखेंगे आज का पहला चैप्टर आपके बुक में, पहला चैप्टर आपका है जी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म जो आपका होता है, पार्टनरशिप फॉर्म उसका फंडामेंटल बेसिक बात है आप यहां पढ़ेंगे। हम लोग बेस लेके चलेंगे टीएस ग्रीवाल की बुक को, हमने क्या करना कि टीएस ग्रीवाल को ही बेस लेके चलना। बहुत अच्छी बुक है, इसमें कोई डाउट नहीं, सब कुछ इसमें कवर्ड आपका है। अगर उसका हम एक एक कोना स्टडी कर गए तरीके से तो सवाल ही नहीं बचता कि कोई एग्जाम में क्वेश्चन हमसे छूट जाए आपका। लिखिए फंडामेंटल के अंदर में आपका टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हमें फंडामेंटल में क्या पढ़ना है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो आप लिखेंगे पहले हमें पता होना चाहिए टारगेट हमारा क्या है। पहला टॉपिक आपका है जी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये क्या होता है अभी सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा, आप जरा लिखो तो सारी बातें सीखेंगे आपके। तो ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे जी। फिर आपको सीखना यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप समझो ना कि जब एक से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे तो उनकी अकाउंटिंग भी तो करना होगा, हमें बनाना होगा जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, वो भी सीख लेंगे, कोई टफ काम नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। थर्ड में आप यहाँ पे स्टडी करेंगे आपका कैसे कंप्यूट किया जाएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स। पता है पार्टनरशिप में या किसी भी बिजनेस में पार्टनर क्या करते हैं, बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं तो उनको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं बच्चे। उन ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे निकालना होगा हम यहाँ सीखेंगे जी। फिर हमें सीखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर्स ने बिजनेस में कुछ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है
तो उस कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा, हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। पांचवें पार्ट में आपका चैप्टर में यहाँ पर निकल के आएगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सर ये क्या है सब सिखाऊंगा, आप टेंशन ना लो। आप लिखो मेरे साथ पहले, आप गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, प्रॉफिट टू अ पार्टनर, किसी एक पार्टनर को गारंटी देना कि कोई बात नहीं जी, आप चिंता ना करो, आप कम से कम मैं आपको देता हूँ गारंटी, इतना तो कमाओगे ही कमाओगे। वो गारंटी कैसे होगा वो भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। और सिक्स में आपका होगा यहाँ पे एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट्स इन सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ी तबीयत खराब है बच्चे, बट कोई बात नहीं, हम आपके साथ पूरे जोश के साथ काम करेंगे, हमें काम खत्म करना है। तो एक्चुअली जो आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है उसमें एक दो तीन चार पाँच छः टॉपिक हमने स्टडी करना है। मैं आज शुरू करता हूँ पहला टॉपिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। आपका फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जी हम लोग यहाँ पे, आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिख लीजिए आप लोग यहाँ तक, हो गया बच्चे? सर हाँ जी सर, हमारा हो चुका है। तो आइए मैं इसको मिटाऊंगा और मैं शुरू करता हूँ आज का पहला टॉपिक आपका जी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट टॉपिक हेडिंग डालेंगे आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमने क्या किया, बिल्कुल फ्रेश पेज से शुरू करेंगे आप जी, लिखना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको जहां मैं बोलूंगा लिखने को वहां लिखना है, जहां मैं बोलूंगा कि ठहर जाओ वहां लिखना बंद कर देना आप, ठीक है ना? तो आप शुरू करते मेरे साथ यहां पे, देखिए जरा क्या बताऊंगा। आप लिखना बंद करेंगे, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, उसके बाद बात करेंगे। याद करो 11th क्लास में आपने जितना अकाउंट सीखा उसमें एक ही ओनर हुआ करता था बच्चे, एक ही पार्टनर कह दो या ओनर कह दो आप। मैं आपको याद दिलाऊं 11th क्लास में आप जब थे, यानी कि जब वन पर्सन कंपनी थी। अब आप मेरे साथ लिख सकते हैं, आप मेरे साथ लिखो, ये बातें आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। जब वन पर्सन आपका था फर्म, यानी कि एक ऐसा फर्म जिसमें सिर्फ एक आदमी था, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि आपने यहां पे क्या किया था, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। याद आ रही बात? सर हाँ जी हमने किया था सर आपका। फिर आपने बनाया था प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने 11th क्लास में ठीक से अपने पढ़ाई किया हुआ है। तो मैंने कहा कि आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था। मैं आपको याद दिलाऊं, इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाने के बाद आपने यहां निकाला था नेट प्रॉफिट। आप लिखिए मेरे साथ, आप अगर मेरे साथ लिखेंगे तो आपको ये सारी बातें रिकॉल होंगी और मैं आपको क्या बताना चाहता हूं आपके दिमाग में बैठेगा। तो आपने क्या किया, जब एक पर्सन फर्म था तो आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाया था, आपने उस प्रॉफिट को आपने निकाला था जी हाँ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। फिर आप याद कीजिए बैलेंस शीट आपने बनाया था और आपने क्या किया था उस बैलेंस शीट के अंदर में, उस बैलेंस शीट के अंदर में क्योंकि एक ही पर्सन था, एक ही ओनर था, तो जो भी उसका कैपिटल था बच्चे, जो भी उसका कैपिटल था, उस कैपिटल के अंदर में आपने इस प्रॉफिट को लेकर ऐड कर दिया था। कुछ याद आ रही है बचपन की बातें? सर हाँ जी हमने पढ़ा तो था सर, यही काम तो किया था। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि आपने ये काम नहीं किया था, ये 11th क्लास में आपने यही काम किया था। आपने क्या किया था, आपका प्रॉफिट निकाला था और कैपिटल में ऐड कर दिया था। लेकिन आप मेरी मजबूरी सोचना, मैं ये काम आज 12th क्लास में नहीं कर सकता क्योंकि जिस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे एक पार्टनर नहीं होंगे, पार्टनरशिप का मतलब होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टनर होंगे। सर पहले ये बताओ कि पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट आती क्यों है, आती है बच्चे? आप मुझे बताओ कि आप एक आदमी हो, एक आदमी कितना काम कर लेगा? आप 24 घंटे ही होते ना, लेकिन मान लो आपने तीन पार्टनर अपने साथ मिला लिए तो आप और दो, यानी कि तीन पार्टनर अगर हो जाते हैं तो आपका तीन गुना काम करने की शक्ति हो जाएगी आपके अंदर में, मैनेजमेंट आपका बढ़ेगा, आप काम को ठीक से मैनेज कर पाएंगे। आप कुछ काम करो, दूसरा कोई कुछ काम करेगा, तीसरा कुछ काम करेगा, कितना अच्छी तरीके से काम होगा। यही नहीं, आप अगर मान लो कि बिजनेस को स्टार्ट करना है और आपको सोच कि आपको सिर्फ 10 लाख रुपए है लेकिन बड़ा काम करना है, इतने बड़े काम को करने के लिए 10 लाख से काम नहीं चलने वाला, पैसे आपके पास है नहीं, तो फिर क्या करोगे? तो सबसे बेस्ट क्या है कि एक पार्टनरशिप फर्म बनाओ, अपने साथ दो तीन लोगों को और जोड़ो। अगर 10 लाख रुपए आपने कंट्रीब्यूट किया और मान लो 10 लाख दो लोगों ने और कंट्रीब्यूट किया तो 30 लाख रुपए का कैपिटल आपका हो चुका है। 30 लाख, जहां पे 10 लाख में छोटा काम होगा, 30 लाख में बड़ा काम कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है, बिजनेस फैलाना है, बड़ा काम करना है, और इसके लिए शायद हमें रिक्वायरमेंट कुछ लोगों को अपने साथ लेने की हो सकती है। ऐसे केस में हम पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करते हैं आपका। तो ध्यान दीजिए, खैर वो तो हुई थ्योरी की बात, मैं बात करता हूँ यहाँ पर न्यूमेरिकली क्या होगा। अब देखो पार्टनरशिप में आपके पास क्या चैलेंज आने वाला है, ये लिखा हमने पार्टनरशिप की बात है, ये रहा पार्टनरशिप की बात।
पार्टनरशिप फर्म में भी क्या होता है जी, जब हम इस फर्म की बात करते हैं तो ये भी बनाते हैं बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी बनाते हैं अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक उसी तरीके से जैसे आपने 11th क्लास में बनाया था। और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाकर ये क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जैसे हमने पहले निकाला था, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से काम होगा। लेकिन समझो ना, इनके पार्टनरशिप के अंदर में जो बैलेंस शीट यहाँ बनना है, इस बैलेंस शीट के अंदर में यहाँ पे क्या है कि एक पार्टनर नहीं है बच्चे, यहाँ पे मान लो दो पार्टनर है, ए है एज कैपिटल अकाउंट आपका, यानी कि ए पार्टनर है जी, और मान लो दूसरा पार्टनर है बी, बीज कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर आपका है। आप मुझे बताइए कि अगर दो पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं तो क्या ये प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट आपका होगा क्या किसी एक आदमी को मिलेगा? नहीं सर, जब दो पार्टनर होंगे तो दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जब तीन पार्टनर होंगे तो तीन के बीच में डिवाइड करना होगा, करना होगा ना बच्चे? सर हाँ, ये तो करना होगा। तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में जब हमें डिवाइड करना होता है ना, उसको डिवाइड करने के लिए यहां पे बीच में एक नया अकाउंट बनता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप समझ रहे मेरी बात? मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी रटे, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो, आपको अच्छा लगेगा, आप सारी बातें समझना भी शुरू कर देंगे आप यहां पे। तो हमें क्या करना है जी, यहां बनाना होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाम ही देखो ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना, किसके बीच में? सर पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि आपने जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाया हुआ है तो पूरे एक साल के अंदर में जितने भी आपके एक्सपेंसेज हुए थे और जितने भी आपके रेवेन्यू यानी कि इनकम हुए थे, उन रेवेन्यू में एक्सपेंस को माइनस करके आप ऑलरेडी प्रॉफिट निकाल चुके हैं, ये प्रॉफिट आपका हो चुका है। अब जो प्रॉफिट आपका निकल गया, इस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं बच्चे, यहां लिखते हैं, हम यहां लिखते हैं जी कि ये हमारा प्रॉफिट निकल के आया है, आप यहां लिखेंगे मेरे साथ, और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में हम डिवाइड करेंगे। ये पार्टनर्स बीच में डिवाइड कैसे किया जाएगा वो हमें यहां देखना कि कैसे काम किया जाएगा। बहुत सारी बातें हो सकती है, डिपेंड करता है कि ये जो दो पार्टनर्स हैं या तीन पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर होंगे, आखिर उन्होंने आपस में एग्रीमेंट क्या किया है प्रॉफिट डिवाइड करने के। सर बताओ ना, कैसे कैसे एग्रीमेंट हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत सारी बातें। हम स्लोली स्लोली करके कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, हम उनको समझेंगे और फिर क्या करेंगे जी, आगे क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत स्लोली, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आइए जरा मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन उठाता हूँ जी, दिमाग से क्रिएट करता हूँ, आप मेरे साथ लिखेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर ये अकाउंट कैसे बनता है। याद रखना, मैं पहले बता दूं, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना यहाँ पे नहीं सीखेंगे, हमारा वो काम नहीं है, क्योंकि वो काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले ही आपका। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे जी, जहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और फिर वो प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल में कैसे ऐड किया जाएगा, हम वो भी सीखेंगे। आप चेक कीजिए, जब हमने लिखाया था टॉपिक्स टू बी कवर्ड, उस टॉपिक्स टू बी कवर्ड में पहले पार्ट में लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर लिखा था जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, हम वो भी सीखेंगे बच्चे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता, आप टेंशन ना करना, सारी बातें देखेंगे। आज तो हमने शुरू किया है, आइए मैं इसको मिटा दूं, ये हो गया आपका, ये फॉर्मेट आपको दिमाग में रिकॉल करेगा हमेशा स्टार्टिंग से एंड तक रिविजन करने के टाइम पे कि हम लोग कैसे कैसे सिस्टम को बनाते हैं आपका। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ जी एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, प्रॉफिट का डिविजन कैसे होगा, ठीक है ना? तो आप एक काम करना, यहाँ लिख दो आप समझने के लिए कि ये क्या होगा जी, यहाँ पे डिविजन होगा, डिवीजन करेंगे हम लोग, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिवाइड करेंगे अमंग पार्टनर्स, अमंग पार्टनर्स, जो आपके पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स उनके बीच में कैसे कैसे डिवाइड होगा उस चीज को देखेंगे जी, जो हमने यहाँ पे आपका स्टडी करना है। आइए मैं काम करता हूँ, इसे मिटाता हूँ, मैं इसे मिटाता हूँ, मुझे पता है कि आप ये लिख चुके हैं, आपको मेरे साथ चलना है, आप बड़े बच्चे हैं, आप बिल्कुल साथ रहेंगे, आगे पीछे नहीं, यानी कि लिखना मेरे साथ होगा, सोचना मेरे दिमाग के साथ होगा, है ना? जैसे जैसे बोलूंगा उस तरीके से आपका दिमाग मेरे साथ चलना चाहिए। आइए मैं शुरू करता हूँ, देखो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, आप लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर वन, आप एक एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चे, दिमाग से क्रिएट कर रहा हूँ, दिमाग से ऐसे लिख रहा हूँ, बस आप मेरे साथ करते चले। आप एक पार्टनरशिप फर्म दिखाता हूँ, जिस पार्टनरशिप फर्म के अंदर में कहता है कि दो पार्टनर है, मान लो एक है ए और दूसरा बी, ये दो पार्टनर्स हैं बच्चे, पार्टनर का नाम क्या हो गया जी यहाँ पे आपका, पार्टनर्स आपके हो गए, आपका एक तो ए दूसरा बी। मान लो इन लोगों ने अपने पार्टनरशिप फर्म के अंदर में जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, कैपिटल का मतलब क्या होता है जी, जो इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है,
कहता है कि ए ने जो पैसा लगाया है, मान लो 5 लाख रुपए इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किए, 5 लाख, आपको पता है ना रुपए के पहले हम रुपए ऐसे लिखते हैं आपका सर, हाँ जी। बी ने मान लो यहाँ पे जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो 3 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया आपका, 3 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बी ने किया आपका। तो ए ने 5 लाख और बी ने क्या किया, 3 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किया, ये पहले से इनके बिजनेस में हुआ है, एज ए पार्टनर इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया, मैं लिख रहा हूँ नेट प्रॉफिट जो इन्होंने कमाया, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस साल आपने जो प्रॉफिट कमाया है जी, वो कहता है क्वेश्चन, मान लो ये रुपीज इन्होंने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। मैं सारी बातें दिमाग से क्रिएट कर रहा हूँ, अभी एक क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए, आप लेते चले मेरे साथ यहाँ पे। तो ए बी का कैपिटल है 5 लाख 3 लाख रुपए, प्रॉफिट जो इन्होंने कमाया है पूरे साल में 4 लाख रुपए, इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चे, अप्रोप्रिएट करना है, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, यानी कि ए एन के बीच में आपका। तो ये प्रॉफिट हमारे बीच में कैसे डिवाइड होगा, उसके लिए ए एंड बी ने अपने बीच में एक एग्रीमेंट किया है। होता बच्चे, आप ही कल को जब पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करेंगे तो आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट हम लोग कमाएंगे हम आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और याद है, याद रखना कि ये जो एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट हमारे बीच में हमेशा रिटन होना चाहिए। अगर हमारे बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ और कल को मान लो कि हमारे बीच में झगड़े हो गए, तो फिर पता नहीं क्या क्या हो सकता है, फिर सब खत्म हो जाएगा सब कुछ आपका। तो मान लो ए एंड बी ने क्या किया, अपने बीच में एक रिटन एग्रीमेंट किया है। रिटन एग्रीमेंट सर, ये एग्रीमेंट किस चीज़ का है, तो कहता है कि एग्रीमेंट हुआ है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हमारे बीच में कैसे कैसे डिवाइड होगा वो हमने बीच में एक एग्रीमेंट किया बच्चे। याद रखना, जिस रिटन एग्रीमेंट में आप यहाँ पे सारी बातें लिखते हो, उस चीज को पार्टनरशिप के अंदर में हम कहते हैं एक पार्टनरशिप डिड, पार्टनरशिप डिड आपका, डिड, डी डबल ई डी आपका, पार्टनरशिप डिड। सर पार्टनरशिप डिड क्या होता है, एक एग्रीमेंट है बच्चे जो मैंने और आपने, यानी कि पार्टनर्स ने मिलकर आपस में बनाया है कि जो प्रॉफिट हम लोग कमाएंगे उस प्रॉफिट को हम आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि बाद में हमारे बीच में कोई झगड़ा ना हो। तो एग्रीमेंट कैसे बना मैं आपको बताऊं, यहां पे एग्रीमेंट क्या हुआ है, एग्रीमेंट कहता है यहां मान लो ए है और बी है, देखो इनके बीच का एग्रीमेंट क्या है, कहते हैं कि देखो जी हम लोग आपस में प्रॉफिट को डिवाइड करते समय इंटरेस्ट लेंगे ऑन कैपिटल। अब देखो ना, आप समझ रहे, स्वाभाविक सी बात है, ए ने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाया है, बी ने बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाया है, दोनों का पैसा इक्वल तो नहीं है। तो इन्होंने आगे आने वाले झगड़े को खत्म करने के लिए डिसाइड किया था कि जो भी हम लोग कैपिटल लगाएंगे हम उस पर इंटरेस्ट लेंगे जी प्रॉफिट डिवाइड करने के टाइम पे। मान लो वो रेट आपका यहाँ पे डिसाइड किया गया था 10% है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे जी 10% के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट लेंगे पहले प्रॉफिट डिवाइड करने के टाइम पे ऑन कैपिटल आपका। फिर ए ने कह दिया कि यार मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो काम अगर मैं ना करूँ तो किसी और आदमी को रखना पड़ेगा और उस आदमी को हमें सैलरी पे करना पड़ेगा। तो ए ने कहा कि देखो जी अगर वो आदमी अपॉइंट नहीं होता और वो काम अगर मैं करूंगा तो मुझे सैलरी पे करो, एग्रीमेंट करो इसके ऊपर में। तो एग्रीमेंट हुआ पड़ा बच्चे कि सैलरी ए को दिया जाएगा, मान लो ये कहता है रुपीज आपका 40,000 होगा जी पर एनम, 40,000 रुपये सैलरी पे किया जाएगा बी को, ऐसा कुछ भी नहीं है, बी को नहीं मिलेगा आपका, ठीक है ना, एग्रीमेंट है, कुछ भी हो सकता है बच्चे। फिर इन्होंने एग्रीमेंट किया जी कि कमीशन दिया जाएगा, कमीशन हम लोग क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन किसको। अब बी ने कह दिया कि यार मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं जो सेल्स बढ़ा रहा है, अगर मान लो वो काम ना करूं तो सेल्स इतना नहीं होगा तो हमें कुछ कमीशन चाहिए जी। और एग्रीमेंट हुआ कि मान लो बी कहता कि यार मुझे 30,000 रुपये का तो कमीशन चाहिए ही चाहिए पर एनम एक साल में। आपका क्वेश्चन सब कुछ बताएगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, पार्टनरशिप डीड में जो कुछ होगा बस उसके मुताबिक प्रॉफिट को आपको डिवाइड कर देना और कुछ नहीं करना। तो कमीशन इनका नहीं हुआ जी और इनका आपका 30,000 रुपये हुआ। फिर इन्होंने कहा कि एग्रीमेंट है कि जो बैलेंस प्रॉफिट बच जाएगा, बैलेंस जो प्रॉफिट बच जाएगा, यानी कि इन तीनों चीज को देने के बाद जो बच जाएगा उस प्रॉफिट को हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, लेकिन किस रेशियो में बच्चे, रेशियो कुछ भी हो सकता है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, क्वेश्चन सब कुछ बताएगा। या तो रेशियो आपका हो जाएगा कि भैया चलो हम इक्वली डिवाइड कर लेते हैं आधा आधा, या रेशियो हो जाएगा कि भैया एक काम करते हैं कैपिटल के रेशियो में कर लो जी, कैपिटल रेशियो का मतलब होता है कि 5 और 3 के रेशियो में कर लो, या कोई और रेशियो पहले से डिसाइड है कि नहीं जी हम 2:3 में करेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करना, जो भी रेशियो होगा क्वेश्चन पक्का बताएगा। मान लो
मान लो इस क्वेश्चन में रेशियो उन्होंने डिसाइड किया है 1:1 आपका, मतलब इक्वली जो भी प्रॉफिट हमारे बीच में होगा हम इक्वली डिवाइड करेंगे आपका। तो हमने क्या क्या एक क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट कर दिया, ये कहता है कि प्रिपेयर आप बनाओ, ये कहता है कि प्रिपेयर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस आप लिखिए मेरे साथ, लिखेंगे मेरे साथ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहता है कि जरा बताओ जी आप इसको कैसे बनाओगे, ये बोलता है जरा बताओ आप कैसे बनाओगे। कौन सी बड़ी बात है यार, बना सकता हूँ मैं यहाँ पे, आई मैं प्रॉफिट डिवाइड करूँ, मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ आपको कैसे डिवाइड किया जाएगा। अरे हाँ, आपने एक वर्ड देखा पार्टनरशिप डेट, पार्टनरशिप डेट का मतलब होता है एक एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में हुआ है कि हम प्रॉफिट कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। आपको चिंता नहीं करना, क्वेश्चन पक्का बताएगा, उसी के हिसाब से काम करना होगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, मेरे पास थोड़ा जगह कम है, मैं इसको मिटाता हूँ बच्चे। ये मान लो यहाँ लिख दिया हमने ₹30,000 का अमाउंट था, थोड़ा जगह बन जाएगा मेरे लिए और कोई बात नहीं है। आप समझने मेरी मजबूरी, जगह कम है कैसे लिखूं मैं, मुझे मिटाना पड़ेगा, जगह बनाना पड़ेगा। अच्छा मैं अब स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। ये देखो आप, ये सॉल्यूशन रेडी किया मैंने, मैं आपके लिए बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका यहाँ बना रहे, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने क्या किया जी, ये दिया आपको एक फॉर्मेट, ये हमने फॉर्मेट दिया आपका, ये देखिए आप यहाँ पे, ये रहा हमारा फॉर्मेट। हमें क्या करना, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना और कुछ भी नहीं। जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि इस फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया है। सर प्रॉफिट कमाया है ₹4,00,000, यही है ना बच्चे। तो आप एक काम करो, यहां लिखो उस प्रॉफिट को जो हमें डिवाइड करना है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका यहां पर निकल गया कितना जी, ₹4,00,000 का अमाउंट, ₹4,00,000। एक बार जरा ध्यान सुनना, अपनी आंखें बंद करना, जरा याद करो, आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे तो जीपी निकाला था आपने ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में, फिर आप उसको प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में लेकर आए थे, और फिर वहां से क्या किया था जी, आपने सारे खर्चे माइनस किए थे इनडायरेक्ट, तो एनपी निकल के आया था डेबिट में। उस नेट प्रॉफिट को आप लेकर आएंगे इसके क्रेडिट में, जिस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। अब आइए जरा देखते हैं कि एग्रीमेंट क्या हुआ। एग्रीमेंट में देखो कहता है कि पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, यानी कि ये जो ₹4,00,000 डिवाइड करना है जी, वो डिवाइड करते समय 1, 2, 3, 4 एग्रीमेंट हमारे पास है, हमें इस एग्रीमेंट के मुताबिक काम करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, पहले मुझे इंटरेस्ट देना है जी, आप लिखिए यहाँ पे पहले 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने लिखा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स को हम क्या कर रहे हैं जी, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आपका, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। मुझे बताओ ना पार्टनर्स के नाम क्या है, सर ए है और बी है, दो ही पार्टनर है ना बच्चे। तो ठीक है, आप एक काम करना, यहां लिखना ए को और बी को हमें इंटरेस्ट देना आपका, ए एंड बी को, कितना, कहता है कि 10% रेट है आपका। तो जरा बताओ 10% ₹5,00,000 का कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 50,000 आपका, ₹50,000। तो ठीक है जी, हमने बोला कि यार 4,00,000 का प्रॉफिट कमाया है, उनमें से ₹50,000 हम ए को दे देंगे आपका यहाँ पे जी एज इंटरेस्ट कैपिटल। अरे बी को भी तो चाहिए, 10% जरा बताओ 3,00,000 का कितना हो जाएगा, 30,000 सर आपका, ₹30,000 का अमाउंट हो जाएगा। तो जरा बताओ 50 + 30 मिलकर अमाउंट कितना बन गया आपको यहाँ पे, 80,000। यही हुआ ना बच्चे, सर हाँ जी सर यही तो हुआ। तो ₹4,00,000 में ₹80,000 हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जी ए बी को आपका। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या करना होगा। तो सर उसके बाद अगला एग्रीमेंट क्या था जी, सैलरी देना बच्चे हमें, सैलरी किसको देना है, ए को, क्या बी को भी, नहीं एग्रीमेंट में नहीं है, जो एग्रीमेंट में होगा वो आपको करना है, और चिंता नहीं करना, एग्रीमेंट में जो भी कुछ होगा क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में आपको बताएगा। तो आप एक काम करो, सैलरी पे करो ए को। तो आप क्या बोलना यहाँ पे, हमने जी इंटरेस्ट दे दिया, अब हमने बोला टू सैलरी, हमने सैलरी यहाँ पे दिया है जी, जरा बताओ सैलरी किसको दे रहे, ए को। तो आप कहना कि ए को हमने सैलरी दिया कितना अमाउंट आपका, 40,000, यानी कि ₹40,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे, 40,000। ये भी काम हो गया हमारा सर, हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ और क्या है, कमीशन देना है, कमीशन ये भी डिवाइड करना जी, जो कुछ भी पार्टनर्स को देना है वो सब कुछ हमें इस अकाउंट में दिखाना होगा। अब देखो कमीशन ₹30,000 हमें बी को देना है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ बोलना कि ठीक है जी अब हम कमीशन दे रहे हैं आपका, ये लिखा हमने कमीशन दे रहे हैं, और जरा मुझे बताइए कि कमीशन हम किसको दे रहे हैं, बी को, आपने बोला टू बी, कितने का कमीशन है, 30,000, आपने लिखा यहाँ पे ₹30,000 का अमाउंट आपका। तो हमने क्या किया जी, जो कमीशन हमारा है ₹30,000, वो भी हमने क्या किया यहाँ पे आपका बी को दे दिया, ये भी काम हमारा हो चुका सर, हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ अब क्या बच गया, सर हमने 1, 2, 3 काम तो पूरा कर दिया, अब जो भी बैलेंस प्रॉफिट बचेगा, जो भी प्रॉफिट बच गया
उसको 1:1 यानी कि इक्वली हमें दोनों में डिवाइड कर देना है। अब बताओ ना प्रॉफिट बचा कितना, तो 4 लाख रुपए में 80, 40 एंड 30 यानी कि 1,50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। हो गया ना बच्चे? सर हाँ जी ये तो हो चुका है। तो कहो ना 4 लाख में अगर 1,50,000 मैं इनके बीच में डिवाइड कर चुका हूं तो कितना बच गया और अमाउंट? सर 4 लाख माइनस 1.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए बच गए। तो अब उस 2.5 लाख को कहता है कि हम लोग आपस में इक्वली डिवाइड कर लेंगे। कौन सी बड़ी बात है, आइए मैं इक्वली डिवाइड करूं। आप क्या बोलेंगे जी? लिखेंगे यहां पे टू बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस मतलब जो बच गया प्रॉफिट, ट्रांसफर्ड टू ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा। किसको देंगे जी? ए को और बी को, आपका ए और बी। तो चलो बताओ 4 लाख में से आपने यहां पे 1.5 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, प्रॉफिट आपका कितना बच गया था? 2.5 लाख रुपए का अमाउंट आपका, 250 का अमाउंट आपका, ये बच गया था ना बच्चे? सर हाँ जी। तो 2.5 लाख में जरा बताइए कि अगर 1:1 में डिवाइड करूं तो एक हिस्से में कितने आएगा? सर 1,25,000 और यहां भी आपका निकल के आएगा जी 1,25,000 आपका, ये काम खत्म हो गया। और इस तरीके से आपने क्या किया, प्रॉफिट डिवाइड किया। आप जरा देखो 4 लाख रुपए आपका प्रॉफिट था, 4 लैक्स का प्रॉफिट था, और वो 4 लैक्स का प्रॉफिट क्या हुआ, इनके बीच में आपका डिवाइड हो गया, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात जी। यहाँ पे कर दिया डिवीजन हमने यहाँ पे। आप बताओ क्या इसके अंदर में आपका है, कौन सी बड़ी बात है? क्या आपको नहीं लगता कि 11th क्लास से ज़्यादा सिंपल 12th क्लास में? कितने सारे कॉन्सेप्ट थे यार 11th क्लास में, हम कुछ समझे नहीं थे। वो पता नहीं क्या NPO हुआ करता था, वो सिंगल एंट्री सिस्टम हुआ करता था, वो रेक्टिफिकेशन हुआ करता था, बिल सब्सचेंज हुआ करता था, BRS हुआ करता था, पता नहीं क्या गंद गंदी बात है। वो तो पता नहीं कैसा था, आप पता है वो भी सिंपल थे बच्चे, समझने का फिर था। एक बार अगर चीज़ों को हम समझे तो मज़ा आ जाए, अदरवाइज क्या बहुत गंदा लगता है। आपको नहीं पता कि कितने सारे बच्चे 12th क्लास में आके आत्महत्या कर जाते हैं। सर कैसी बात करते हो? हाँ बच्चे सच्चाई बता रहा, वो कमज़ोर दिल के बच्चे होते हैं, दिमाग नहीं होता, वो डरते हैं, वो हर चीज़ से डरते हैं, उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता। तो फिर क्या करेंगे, पूरे साल पढ़ाई किया नहीं, रटना रटना रटना, एंड में कुछ हुआ नहीं तो फिर चलो जी सबसे जाके आत्महत्या कर लो। आपको भी करना आत्महत्या? नहीं सर हम तो नहीं करेंगे। तो फिर समझो ना कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी तो बात है यार समझने की। अगर हम बात समझ गए तो कितना मजा निकल के आएगा। वो आत्महत्या जो करते हो बुजदिल इंसान होते हैं, बुजदिल। आप तो स्ट्रॉन्ग इंसान हो, आपको कॉन्सेप्ट सीखना बस, और देखता हूँ कैसे काम निकल के आता। चलिए कॉपी हो गया बच्चों? हो गया जी कॉपी? सर हाँ जी कॉपी हो गया। मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा और टफ करता हूँ क्वेश्चन को, और गंदा करूँगा, देखता हूँ कि अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मैंने टफ कर दिया तो आपके दिमाग में बातें बैठती हैं कि नहीं बैठती हैं, ठीक है ना? चलो शुरू करता हूँ, मैं इसे मिटा दूँ। हाँ जी सर। तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 हटा दिया, मैं एक क्वेश्चन और क्रिएट करता हूँ, एक क्वेश्चन और, एक बार देखता हूँ कि क्या ये क्वेश्चन करते समय आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि आप कुछ खुद मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि हम करें आपका। आप आगे करना नहीं, मेरे साथ ही करना, लेकिन आइए जरा यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल आपका। जरा बताओ पिछले एग्जाम्पल में कितने पार्टनर थे जी? सर 2 पार्टनर थे, इस पर 3 पार्टनर करूँगा। पार्टनरशिप है ना बच्चे, पार्टनरशिप है ना, कोई बात नहीं, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। हम कुछ और भी बताएंगे पार्टनरशिप के बारे में डिटेल में, जब हम थ्योरी की बातें डिस्कस करेंगे तो हम एक एक बातें समझते हैं, फिलहाल हम न्यूमेरिकली बात कर रहे हैं आपका। ये देखिए चलो इस बार मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन क्रिएट किया, 3 पार्टनर बनाया, A, B एंड C, 3 पार्टनर। मैं पहले कुछ प्री कंडीशन डाल रहा हूँ, कहता है कि इन तीनों पार्टनर्स का जो कैपिटल है बिजनेस में, कैपिटल जो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, इनका कैपिटल कहता है कि 10 लाख रुपए का अमाउंट है, इनका कैपिटल कहता है कि 8 लाख रुपए का अमाउंट है, और इनका कैपिटल कहता है कि मान लो 2 लाख रुपए का अमाउंट है। इतना इतना पैसा ABC ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है एज कैपिटल आपका, ठीक है। कहता है कि इन्होंने ड्रॉइंग्स भी किया है, ड्रॉइंग्स, आपको पता ना ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? सर हाँ, जब बिजनेस से, बिजनेस में जब पैसे होते हैं और पार्टनर्स को जो भूख लगती है तो बिजनेस से पैसा कुछ विड्रॉ कर लेता है। तो बिजनेस से जो पैसा आपने विड्रॉ किया घर के काम के लिए, पर्सनल काम के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। कहता कि मान लो ए ने 2 लाख रुपए की ड्रॉइंग्स की है, बी का ड्रॉइंग्स मान लो यहां पे 1 लाख रुपए का है, और सी का जो ड्रॉइंग्स आपका वो मान लो आपका 1 लाख का, मान लो, मानने की बात कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। और आप टेंशन क्यों लेते हो, कितना क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, सब कुछ क्वेश्चन बताएगा आपको, तो सिर्फ सोल्व कर देना है। ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ एग्जाम में कभी 8-8 नंबर के क्वेश्चन आए थे बच्चे, आ देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आपका।
चलो ठीक है जी, ये आपका हो गया पहले। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है ना, नेट प्रॉफिट कहता है कि आपने जो अर्न किया है, अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रॉफिट आपने कमाया है ड्यूरिंग द ईयर, ये मान लो कहता है कि प्रॉफिट बताओ कितना मान लो, कितना मान लो बोलो, कितना मान लो बोलो। चलो मैं मान लेता हूँ 5 लाख रुपए, 5 लाख मान लिया, कोई टेंशन की बात थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है जी, क्वेश्चन बताएगा आपका। तो कहता है कि 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अब ये 5 लाख का जो प्रॉफिट है उसे हमें क्या करना है जी, पार्टनर्स बीच में डिवाइड करना है। क्या मुझे कोई बताएगा कि ये जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में जो डिवाइड करना है, ये डिवाइड करने का जो एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? सर हाँ, पार्टनरशिप डिड आपने कहा तो था। अच्छा अच्छा, याद आ गया आपको, ठीक है। तो देखो जरा, इनके पार्टनरशिप डिड में, पार्टनरशिप डिड में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। कहता है जी, नंबर वन, पहला पॉइंट यहां पे पार्टनरशिप डिड में आपका कहता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि जो पार्टनर्स ने पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया है एज कैपिटल, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा जी, मान लो एट द रेट ऑफ यहां पे 10% पर एनम, 10% के हिसाब से बच्चे आपका, ठीक है ना? हाँ जी सर। अच्छा अब देखो, फिर अगला एग्रीमेंट है कि पार्टनर्स ने अगर बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया है, अगर विड्रॉ किया ड्रॉइंग्स, तो हम उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। तो कहता है कि देखो जी, अगला एग्रीमेंट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यानी कि अगर पार्टनर्स ने कोई ड्रॉइंग्स किया है, उन ड्रॉइंग्स पे, हाँ जी बच्चे, तो अब देखो पार्टनर्स ने क्या किया कि ड्रॉइंग्स किया है आपका 2 लाख 1 लाख 1 लाख रुपए का। तो अब देखो, जब पार्टनर्स ड्रॉइंग्स करेंगे ना, तो हो सकता है कि एग्रीमेंट हो के इनसे इंटरेस्ट को चार्ज किया जाएगा। अब एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि देखो जी, अगर कोई पार्टनर्स आपका ड्रॉइंग्स करेगा, तो हम उसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मान लो कहता है कि रेट आपका यहाँ पे 6% आपका है। ध्यान देना, अगर आपने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो कैपिटल पे हम आपको इंटरेस्ट देंगे, फर्म इंटरेस्ट आपको देगी। लेकिन अगर बिजनेस से पैसा आपने विड्रॉ किया है, तो उस केस में हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, यानी कि फर्म आपसे पैसा लेती है, फर्म लेती है आपका। फिर मान लो इनका तीसरा एग्रीमेंट है कि सैलरी हमें पे करना है। मान लो सैलरी ए और बी को देने की बात कर रहा है, सी को सैलरी नहीं मिलेगा, एग्रीमेंट बोलेगा आपको चिंता नहीं करना। अगर ए कहता है कि भैया मुझे 30,000 रुपये सैलरी चाहिए पर एनम, और बी कहता है कि ठीक है जी मुझे 20,000 पर एनम की सैलरी चाहिए, ये पहले से इनके पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि ये देना आपको। फिर फोर्थ एग्रीमेंट कहता है यहाँ पे आपका फोर्थ एग्रीमेंट कि अब यहाँ पे मान लो जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व, ध्यान से, रिजर्व का मतलब होता है कि जो पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, उतना पैसा प्रॉफिट का रखा जाएगा जी कंपनी के आगे एक्सपेंशन पे खर्च करने के लिए, फर्म के, पार्टनरशिप फर्म के एक्सपेंशन पे खर्च करने के लिए। तो रिजर्व मान लो कहता है कि यहाँ पे 5 लाख रुपए में से हमें क्या करना है, सपोज दैट कहता है कि 50,000 का जो अमाउंट है, ये हमें क्या करना है, रिजर्व में ट्रांसफर करना है। सॉरी, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, रिजर्व कितने का बनना है, कितना पैसा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उसके बारे में क्वेश्चन पक्का बोलेगा। आप समझे मेरी बात, रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर किया गया ना, ये पैसा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, ये पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा बच्चे। जितना प्रॉफिट फर्म ने कमाया है यानी कि 5 लाख रुपए, इसमें से 50,000 रुपए फर्म अपने पास रखेगी, जो फर्म के एक्सपेंशन पे खर्च किया जाएगा, ग्रोथ पे खर्च किया जाएगा, उसको बोलते हैं रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। और फिर हुआ कि अब इसके बाद पांचवा एग्रीमेंट है कि जो भी बैलेंस प्रॉफिट बच जाएगा, बैलेंस प्रॉफिट जो बच जाएगा, वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा। मान लो 3 या मान लो, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ 2:1:1 के रेशियो में। सर रेशियो आपने कहाँ से निकाला, ऐसे ही बच्चे मन से बोल दिया, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, क्वेश्चन पक्का बताएगा। वो कहता है कि इस तरीके से आपने क्या करना जी, प्रॉफिट को डिवाइड करना है। क्वेश्चन कहता है कि प्रिपेयर, आप लिख रहे ना मेरे साथ, मैंने कहा कि आपको मेरे साथ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने क्या करना जी, बनाना आपका यहाँ पे, यानी कि ये प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बोलता है जरा बताओ आप कैसे काम करेंगे। आइए मैं शुरू करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप भूल गए ना, मैंने कहा था कि सॉल्यूशन के अंदर में अगर ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड करना है, तो प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, याद है ना बच्चे? तो आइए मैं फिर से यहाँ पे सॉल्यूशन में आप मेरे साथ लिखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, तो आओ जरा देखते हैं कि प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। ये हमने क्या किया जी, आपके साथ रेडी किया फॉर्मेट, यहाँ पे ये रहा हमारा फॉर्मेट जिसमें हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। 12th क्लास मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि 11th क्लास से ज़्यादा सिंपल है, अगर छोटी छोटी बातें समझ गए तो, अदरवाइज तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है बच्चे। यहाँ पे आप जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि आपके फर्म ने नेट प्रॉफिट जो कमाया है वो प्रॉफिट कितना कमाया है। सर 5 लाख रुपये, लिखो फिर यहाँ पे 5 लाख रुपये फर्म ने क्या किया जी, प्रॉफिट कमाया है। 5 लाख रुपये फर्म ने प्रॉफिट कमाया है। अब ये 5 लाख का जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हमें क्या करना, पार्टनर्स बीच में डिवाइड करना है। आप मुझे ये बताइए कि प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करने के लिए आप किस चीज़ को देखते हैं। सर वो पार्टनरशिप डीड, उस डीड में लिखा होता है कि हम प्रॉफिट कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। क्या मैंने आपको डीड दिया है? सर हाँ जी आपने दिया था। ये देखिए पार्टनरशिप डीड के मुताबिक 1, 2, 3, 4, 5 एग्रीमेंट हुए बच्चे। हमें इस 5 एग्रीमेंट के मुताबिक प्रॉफिट को डिवाइड करना है। आइए मैं बताऊँ कैसे किया जाएगा। एक काम करो, पहले तो बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने लिखा बोला यहां पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे बताओ इंटरेस्ट किसको दिया जाएगा? सर पार्टनर्स को, ए बी एंड सी। तो आप एक काम कीजिए, ए बी और सी पार्टनर्स के बीच में आप इंटरेस्ट देना शुरू करो। अच्छा इंटरेस्ट कहता है कि 10% आपका है, और देखो जरा 10 लाख रुपए यहां बता रहा जी, तो जरा बताओ 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? सर 1 लाख रुपए का अमाउंट। तो आपने क्या किया, 1 लाख रुपए दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ए को। बी का कैपिटल 8 लाख रुपए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बी को यहां पे 80,000 का अमाउंट दिया जाएगा एज इंटरेस्ट आपका। सी का कैपिटल 2 लाख रुपए है, 10% रेट चल रहा है, तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा जी यहां पे 20,000 आपका, 20,000 रुपए का अमाउंट आपका। चला बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना दे दिया गया? सर 2 लाख रुपए, यानी कि 5 लाख रुपए का जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया है उसमें से 2 लाख रुपए एज इंटरेस्ट पार्टनर्स को दे दिया गया जी, इतना इतना करके आपका। ठीक है, अगला एग्रीमेंट क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जरा बताओ, फर्म पार्टनर्स को देगी या उनसे लेगी? सर ड्रॉइंग्स जो था, ड्रॉइंग्स का मतलब है कि बिजनेस से पार्टनर्स ने पैसे निकाले हैं। अगर बिजनेस अलग है और पार्टनर अलग है, और पार्टनर अगर मान लो बिजनेस से पैसा निकालेगा तो हम तो उससे इंटरेस्ट लेंगे। अगर मैं उससे इंटरेस्ट लूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर फर्म पार्टनर से लेगी, तो बताओ कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? सर बढ़ जाएगा। ये देख रहे हो, जब हम आपको देंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होगा बच्चे, लेकिन अगर पार्टनर से मुझे कुछ लेना है तो हम क्या करेंगे जी, फिर प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है आप उसको इस साइड लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो अमाउंट आपका होगा वो हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे पार्टनर से चार्ज करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना आपका यहाँ पे, कि जब हम 5 लाख रुपए में से कुछ हम पार्टनर्स को देंगे तो 5 लाख का प्रॉफिट कम हो जाएगा, यानी कि हमें इस साइड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टनर से हम कुछ लेंगे उस केस में फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा बच्चे आपका, उसको इस साइड लिखना पड़ेगा। आइए जरा हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ए बी एंड सी से। जरा मुझे बताओ इंटरेस्ट का रेट कितना बता रहा, 6% आपका, तो जरा बताइए 6% आपका 2 लाख रुपए का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12,000 का अमाउंट आपका, 12,000 रुपए का अमाउंट आपका, 12,000। बी का ड्रॉइंग्स 1 लाख रुपए है, 6% रेट चल रहा है, तो 1 लाख रुपए का 6% कितना हो जाएगा? सर 6,000 रुपये, आप यहाँ लिखेंगे 6,000 रुपये का अमाउंट आपका। सी का ड्रॉइंग्स 1 लाख रुपये का अमाउंट है और 6% आपका रेट चल रहा है, तो 1 लाख का 6% कितना हो जाएगा? सर ये भी 6,000 रुपये का अमाउंट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया जी, 24,000। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सर हाँ जी, यानी कि फर्म का प्रॉफिट क्या हुआ कि 24,000 से और बढ़ गया। जो भी कुछ पार्टनर्स के बीच में करना है, जो भी लेन देन, वो सब हमें इसी अकाउंट के थ्रू करना बच्चे, और कुछ नहीं आपका। ठीक है, ये भी काम पूरा हो गया आपका। अच्छा इसके बाद और क्या कर रहा है, सैलरी हमें देना है, सैलरी पार्टनर्स को तो देना ना बच्चे, प्रॉफिट कम करेगा इस साइड लिखना होगा आपको, टू सैलरी। आप देखो सैलरी आप दे रहे हैं किसको जी, ए को और बी को। ए की सैलरी कहता है कि 30,000 रुपये का अमाउंट आपका है, और बी की सैलरी कहता है कि 20,000 रुपये का अमाउंट है, तो 30 + 20 मिल के आपका यहाँ पे अमाउंट कितना बन गया सर, 50,000, 50,000 रुपये का अमाउंट आपका, तो 50,000 आपका सैलरी हो गया। ठीक है,
रिजर्व में भी आपको 50 ट्रांसफर करना है। आप मुझे बताओ रिजर्व ए को मिलेगा या बी को मिलेगा? सर किसी को नहीं, ये पैसा तो फर्म के पास रहेगा। तो ये ध्यान रखना 5 लाख रुपए में से जो रिजर्व में ट्रांसफर करना है आप उसमें पार्टनर्स का नाम नहीं लिखेंगे। आपको कहना है कि देखो जी ये पैसा क्या हुआ रिजर्व के नाम पर ट्रांसफर हो गया, वो अमाउंट कितना बता रहा आपको यहाँ पे 50,000 आपका, 50,000 रुपये का अमाउंट आपका। ये भी काम हमने पूरा कर दिया, ये भी काम पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है जी, अब हमें क्या करना है? तो देखो अब तो बचा ही नहीं कुछ आपका, सारी बातें हो चुकी। जो बैलेंस प्रॉफिट है वो कहता है कि पार्टनर्स में 2:1:1 में डिवाइड कर दो। तो जरा आप चेक करते हैं कि आखिर प्रॉफिट हमारा बैलेंस बचा कितना, आखिर प्रॉफिट हमारा कितना बचा। आपने यहाँ लिखा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू। हमें क्या करना है जी, प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के बीच में, नाम है ए बी एंड सी आपका। अब मुझे बताओ ना प्रॉफिट बचा कितना, तो ये कौन सी बड़ी बात है? आप बताओ 5 लाख का प्रॉफिट पहले से था, 24,000 रुपये का पार्टनर से इंटरेस्ट लिए, अमाउंट कितना बन गया आपका 5,24,000 रुपये आपका, 524 आपका। तो चलो बताओ 5,24,000 के प्रॉफिट में से आप 2 लाख 1 लाख 1 लाख यानी कि 3 लाख रुपये का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, यानी कि प्रॉफिट जो आपका बच गया बच्चे वो 2,24,000 रुपये, 2,24,000। तो आपने क्या करना है 2,24,000 के प्रॉफिट को हमें क्या करना है एबीसी में डिवाइड करना है। जरा बताओ रेशियो क्या चल रहा है, तो सर 2:1:1। तो जरा बताइए 2:1:1 यानी कि कितना हो गया, ए के हिस्से में आ गया बच्चे 1,12,000 रुपये आपका, ए के हिस्से में आ गया 1,12,000 रुपये। बी के हिस्से में आपका आ जाएगा 56,000 और सी के हिस्से में कितना आ गया आपका 56,000। खत्म हो गया काम, हो गया डिस्ट्रीब्यूशन आपका। हमें प्रॉफिट डिवाइड करना था, हमने डिवाइड कर दिया जी आपका। ये कौन सी बड़ी बात है आप मुझे बताओ, ये तो बहुत सिंपल चैप्टर यार, एक एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा इस टॉपिक से, कोई रोक नहीं सकता। तो कहते हैं कि यार प्रॉफिट आपका 5 लाख का था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया, ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया, काम खत्म हो गया। ये सारी बातें आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होती है, पार्टनरशिप डीड के मुताबिक काम करना होता है, हमने काम पूरा किया आपका। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके अंदर एक शक्ति आ रही बच्चे, एक जबरदस्त शक्ति, आप सब कुछ समझ रहे हैं। आपको अगर बिलीव करना है कि आपके अंदर शक्ति आई है तो जरा आप घर से बाहर निकलो, आप देखोगे जबरदस्त आंधी चल रही होगी और उस आंधी में सभी लोग गिरने शुरू हो गए होंगे। वो आंधी आपका कोई और नहीं है, वो आपके अंदर की शक्ति है जो दुनिया को मजबूर कर रही है आपके नीचे झुकने के लिए। आप समझो मेरी बात, आप सब कुछ जानते हो, बस काम खत्म हो गया आपका। तो प्रॉफिट को हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने काम पूरा किया। प्लीज कॉपी करें इसको, आप कॉपी करें फटाफट, फिर मैं कुछ और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, हो गया सबका यहाँ पे? सर हाँ जी सर, हमारा हो गया। तो मैं अब इसको मिटाता हूँ और प्रॉपर तरीके से आपको एक फॉर्मेट देता हूँ कि आपके प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू द मैक्सिमम क्या क्या बातें आ सकती हैं। अब ना बताओ तो भी काम चल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं आपको फॉर्मेट देता हूँ, मैं इसे मिटाता हूँ। बच्चे हमने 2 एग्जाम्पल आपको कराए हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं आपको बताना यहाँ पे एक फॉर्मेट। लिखिए मेरे साथ कि अगर एग्जाम में बहुत गंदा क्वेश्चन आ गया, बहुत गंदा, तो भी आपके फॉर्मेट में क्या क्या बातें आएंगे। लिखिए आप, लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे जी, फटाफट लिखिए, फटाफट लिखेंगे आप। ये फॉर्मेट दे रहा हूँ ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे बच्चे मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है, लेकिन प्लीज़ आप बुरा नहीं मानना, जितनी हैंडराइटिंग गंदी है उतने अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। आप बस इसको ले लो अपने पास ले लो और फिर देखो आप कैसे आगे रहोगे हमेशा। मैं चाहता हूँ कि मैं और आप बस आगे रहें, दुनिया सारी पीछे रहे और कुछ भी नहीं। आइए शुरू करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, इस फॉर्मेट की शुरुआत होती है यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट। मुझे ये बताइए ये जो प्रॉफिट यहाँ लिखा जा रहा है ये प्रॉफिट कहाँ से आता है, कौन से अकाउंट से? तो सर ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। यानी कि जो नेट प्रॉफिट लिखे यहाँ पे ब्रैकेट में, ये आपका ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सर एक बात बताओ, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्या हमें लिखना होगा कि ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट लॉस अकाउंट? नहीं बच्चे, जितनी बातें ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना वो बातें आपको समझाने के लिए, आप उसको नहीं लिखेंगे। आपको तो लिखना सिंपली नेट प्रॉफिट आपका, इतना निकल के आपका आया। अच्छा मुझे बताओ ये प्रॉफिट जो आपने लिखा इसमें क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या देना है? तो जो भी बातें आएंगे, जैसे मान लो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है,
तो आप लिखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या क्या यहाँ पे दिया। जितने भी पार्टनर्स होंगे, मान लो पार्टनर आपका ए है बी है, तो आप ए और बी में दीजिए, तीन पार्टनर तीन जितने भी पार्टनर्स होंगे वो लिखा जाएगा यहाँ पे। फॉर्मेट दे रहा हूँ कि टू द मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में क्या हो सकता है। हो सकता है बात करें पार्टनर्स को देने के लिए सैलरी, तो आप लिखें यहाँ पे टू सैलरी जी। अगर मान लो ए और बी जिसके बारे में बोलेगा, आप क्या करेंगे वो आप यहाँ पे देंगे जी आपका। फिर मान लो यहाँ पे कहता है आपका, फिर लिखेंगे यहाँ पे मान लो कहता है कि कमीशन देना है, कमीशन। ये कमीशन किसको देने की बात कर रहा हूँ? पार्टनर्स को। बच्चे जो भी कोच यहाँ पे आएगा कसम खा लो सिर्फ पार्टनर्स की बातें उठेंगी, सिर्फ पार्टनर्स की और कोई दूसरा नहीं आपका। तो मान लो कमीशन कहता है कि ए को देना है बी को देना है या सिर्फ ए को देना है, जिसके बारे में भी बोलेगा, कहाँ बोलेगा? पार्टनरशिप डीड में, उसी डीड के मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा। जरा बताओ और यहाँ पे क्या आ सकता है? सर हाँ, यहाँ पे एक नाम आ सकता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स किया है तो उस ड्रॉइंग्स में आप यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करने की बात करोगे। तो मान लो आपका ए है और बी है, इन दोनों ने ड्रॉइंग्स किया है, तो उन ड्रॉइंग्स पे जितना भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो लिखा जाएगा जी यहाँ पे आपका। ये भी काम आपका हो चुका, ये भी काम हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब लास्ट में हम क्या बोलते हैं कि जो भी बच गया। अच्छा एक मिनट, एक चीज और छूट गया जी। हाँ क्या, जरा बताओ, कोई बताएगा क्या छूट गया? आप जरा बताओगे क्या छूट गया? सर हाँ, वो रिजर्व में ट्रांसफर करने की बात है। जनरल रिजर्व में कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, वो कितना ट्रांसफर किया गया होगा क्वेश्चन पक्का बताएगा, वो अमाउंट लिखा जाएगा जी। और फिर आपने क्या देखा, जो बैलेंस प्रॉफिट बच जाएगा, बैलेंस प्रॉफिट जो बच जाएगा वो ट्रांसफर्ड किया जाएगा। लिखिए मेरे साथ, वो ट्रांसफर्ड किया जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप उसे क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जरा बताओ किस रेशियो में बच्चों? तो कहते हैं कि अग्रीड, जो हमारे बीच में अग्री किया गया है प्रॉफिट रेशियो। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, ये रेशियो क्या होगा क्वेश्चन आपको बताएगा, उस प्रॉफिट रेशियो के मुताबिक आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है। खत्म होगी बात, बात खत्म हो गई। तो बच्चे ये हमारा एक फॉर्मेट रहा जो मैंने आपको दिया। देखो कोई बड़ी बात थोड़े है, आज हमने पूरी क्लास में क्या सीखा? पूरी क्लास में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि जब प्रॉफिट का डिवीजन होता है तो हम प्रॉफिट किस तरीके से डिवाइड करते हैं। और तो कुछ हमने बातें की नहीं आपके साथ, सिंपल सिंपल बातें कीजिए कि आप साल के एंड में जो भी प्रॉफिट कमाते हो उस प्रॉफिट को साल के एंड में हमें पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना होता है। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे डिवाइड किया जाएगा ये सब कुछ आपको बताएगा। और ये सारी बात आपको कहाँ दिया जाएगा? पार्टनरशिप डीड के अंदर में। तो आपने क्या करना जी, पार्टनरशिप डीड को देखना है और पार्टनरशिप डीड के मुताबिक प्रॉफिट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो हमने काम करना है। कोई बड़ी बात मैंने आपके साथ नहीं किया बच्चे, मैंने तो सिंपल तरीके से दिखाया कि आखिर एग्रीमेंट में क्या क्या हो सकता है। और ये मैक्सिमम एग्रीमेंट है, हो सकता है कि एक दो बातें और भी हो जाए तो भी टेंशन की बात नहीं है, तो भी टेंशन की बात नहीं है। आप क्या करो, बस इसको आप देख लो यहाँ पे क्या निकल गया। सर क्या ये टॉपिक खत्म हो गया? नहीं बच्चे, ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी ये टॉपिक आगे बढ़ेगा। मैं आपको बहुत दूर तक लेके जाऊँगा, बहुत दूर तक, और आपको बहुत मजा आएगा। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, आपको पता नहीं लगता कि यार कहाँ लिखूँ कहाँ ना लिखूँ, लिखूँ भी कि ना लिखूँ। तो जब मैं आपके साथ अगली क्लास में मिलूंगा, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसके आगे इसका डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। और जितने भी आपके माइंड्स में सवाल जो आपके क्रिएट हो रहे होंगे या हो रहे हैं, उन सारे सवालों को ख़त्म करूंगा। मेरे बच्चे एक बात और बता दूं मैं, आज हमारी फॉर्मली पहली क्लास थी, आपको ये बात पता है। देखो जब मैं चैप्टर को पढ़ाऊँगा तो पढ़ाते समय कई सारी ऐसी बातें आएंगी जो मैं वहां पे जानते हुए भी आपको नहीं समझाऊंगा। सर क्यों, आप क्यों नहीं समझाओगे? क्योंकि बच्चे वो आगे किसी और टॉपिक में आके आपको समझना होगा, वो कहीं पे लिंक होगा। तो जब मैं आपको कहूँ ना कि देखो जी आज इसका इतना ही समझो, अभी आपको नहीं समझना, मैं आगे समझाऊंगा, तो पक्का आपको समझाऊंगा, वो किसी ना किसी टॉपिक में लिंक होगा। आप समझ रहे हो? अगर मान लो इतना बड़ा पत्थर मैं आपके सर पे इकट्ठा मार दूं, एक बार में फेंक दूं, तो सर फट जाएगा बच्चे। तो मैंने क्या करना, उसके एक टुकड़े बनाए, छोटे छोटे टुकड़े फूल जैसा, और वो मैं फिर आपके ऊपर फेंकता हूँ। आपको देखो अच्छा भी लगेगा, लगे कि हाँ कुछ हमारे ऊपर फेंका गया, जो मज़ा भी आपको आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि अकाउंट्स में कुछ बर्डन क्रिएट करूँ बच्चे, मैं नहीं चाहता कि आप पे कोई पत्थर फेंकूँ। मैं तो आपको क्या करूँगा, बस फूल फेंकूँगा और कुछ नहीं करने वाला। आप धीरे धीरे क्या करना उसको लेना, पेशेंस वाइज मेरी बातें सुनना। अगर कहीं पे आपको परेशानी क्रिएट हो तो थोड़ा शांत रखना। जब कोई भी टॉपिक मैंने स्टार्ट किया हुआ है,
जब वो टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा तो मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि जितने भी आपके दोस्त होंगे, जितने भी आपके दोस्त या दुश्मन होंगे, जितना वो अकाउंट समझेंगे उनसे कहीं ज़्यादा आप समझेंगे, इस बात का भरोसा देता हूँ मैं। हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपको टेंशन भी नहीं करना। अगर मान लो कभी कोई दिक्कत हुई, कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ परेशानी हो रही है, तो आप मेरे साथ बच्चे, मेरा नंबर है 4x9631597। बस आपका करना अपना नाम और अपना नंबर, अपना जो नाम होगा उससे मुझे एक व्हाट्सएप कर देना या फिर मुझे मैसेज कर देना। कॉल रिसीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा। फिर भी अगर दिक्कत आई तो कोई बात नहीं, मैं आपको खुद कॉल करके आपको उसका जवाब समझाऊंगा, इस बात को प्रॉमिस करता हूं। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो रिकॉर्डिंग मैंने आपके लिए किया उसमें ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपके TS ग्रिवाल के एक एक क्वेश्चन को उठाऊंगा, चाहे वो सॉल्व हो चाहे अनसॉल्व हो, दोनों देखेंगे बच्चे। मैंने आपका चैप्टर एंड होने के बाद क्या किया है कि एक क्लास प्रॉपर तरीके से आपके लिए बनाया है जिसमें सिर्फ थ्योरी डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारा काम सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर नहीं होगा बच्चे, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों होगा। मेरा टारगेट है कि बस आपको 100 नंबर दिला दूं। अगर आप और हम दोनों मिल गए ना तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको 100 नंबर लाने से रोक सकती है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं करना बच्चे, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। आप जब भी देखोगे तो मैं अपने पास मुझे पाओगे, मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। लेकिन हाँ, याद रखना, रिपीट कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि टेंशन नहीं लेना कि मुझे 100 नंबर लेकर आना है। बहुत प्रॉपर तरीके से काम कीजिए, स्ट्रेस कम रहेगा तो उतना अच्छा आपका काम निकल के आएगा। चलिए, मैं अगली क्लास में आपके साथ मिलूंगा और उस केस में क्या करूंगा जी, इनसे जुड़े हुए सवाल जो आपके दिमाग में उठ रहे होंगे या उठेंगे उन सबको दूर करूंगा और फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस में एंट्री कर जाएंगे और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चे, बहुत स्मूथली, कोई टेंशन नहीं आएगा। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, नेक्स्ट टाइम मिलते बच्चे, अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगे इस टॉपिक को आपका। तब तक ऑल द बेस्ट, मस्ती कीजिए और अगली क्लास में मेरे साथ मिले। चलिए, बाय बाय टाटा बच्चे, टाटा।